हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू किया था। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें से मीन और मीडियन जो है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसी नाम से, स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें चेक कर लीजिएगा। मैं हर एक क्लास में स्टार्टिंग में ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लेलिस्ट से पहले के बेसिक वीडियोज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आज हम मोड के बारे में बात करेंगे, क्या होता है मोड, कैसे इसको निकालते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ निकालना चाह रहे हैं ना, तो कंप्यूटेशन वर्ड यूज होता है, लाइक कंप्यूटेशन ऑफ मीन, कंप्यूटेशन ऑफ मीन या मोडेन, मीडेन या मोड, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए भाई समझ आ भी रहा है या नहीं। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी हम मेजर कर रहे हैं, इसमें मोड की बात करनी है। मोड बहुत, अगर हमें कोई क्विकली बतानी है ना कोई चीज कि अच्छा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से क्विक, कोई भी डाटा देख के कोई चीज क्विकली बतानी है तो वो मोड बता सकते हैं हम। ओके, क्योंकि जो भी वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब वो आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, टाइम्स आएगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब वो रिपीट हो रही है। ओके, देन है मोड, जो है एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जी फैशन। अगर हम यूजुअली देखें तो कोई चीज फैशन में है, मतलब ज्यादा लोग उसको पहन रहे हैं, देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, सो उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। इसका ऑपोजिट लगा लीजिए यहाँ पे कि जो वैल्यू कॉन्टिन्यूटी में, मतलब कॉन्टिन्यूटी इन द सेंस रिपीटेडली हो, रिपीट हो रही होगी, बार बार आ रही होगी कोई वैल्यू, सो वो क्या होगी, मोड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे रही हूँ, 8, 10, 15, 14, 10, 11, 9। अगर मैं ये सीरीज आपको डाटा की दे रही हूँ और इस सीरीज में आपको बोला जाए कि मोड बताइए, तो मोड क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 जो है वो रिपीट हुआ है। और किसी भी वैल्यू में जो भी डाटा सेट हमें दिया जा रहा है उसमें हो सकता है कि कोई भी मोड ना हो। अगर यहाँ 10 की जगह मैं 12 ले लेती तो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही थी, दैट मीन्स कोई मोड था नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मोड हो, बाय मोडल, ट्राई मोडल, इस तरीके से हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा मोड जब उसके अंदर हो, ठीक है। तो जो मोड है जी, मीडियन की तरह ये भी एक पोजिशनल एवरेज होता है और ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर इसी वैल्यू में मान लो मेरे पास वैल्यूज हैं 2, 3, 5, 10, 12, 50, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा लो या 1 लगा लो, ठीक है, 1, यहाँ 50 के बाद मैंने लिख दिया 100। तो अब आप ये देखिए, यहाँ 1 में और 100 में दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई ना, बहुत अंत पे, एक इधर तो एक उधर, तो वो मतलब क्या हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। इन एक्सट्रीम वैल्यूज से ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मीडियन के ऊपर और इसके ऊपर, मोड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे इसमें कोई भी मोड है नहीं, और अगर मीडियन की बात करेंगे तो 50% से इधर और उधर होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज है ये, तो 8 वैल्यूज में ये कहां पे आ जाएगा, 4 वैल्यूज इधर, 4 इधर, तो ये 5 और 10 के बीच में आएगा कहीं, तो 5 और 5 + 10 / 2 ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, यानी 15 को 2 से भाग करेंगे तो जो आया 7 × 2 = 14, 7.5 आया ये, तो 7.5 हमारा मीडियन हो जाएगा, मोड है ही नहीं। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो मीन को अफेक्ट करती हैं, और इसीलिए जब एक्सट्रीम वैल्यूज हमें दी हुई हो तो हम मीन निकालने की बजाय मीडियन या मोड को प्रेफर करते हैं। और मीडियन और मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्दर अगर बात करें तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो मैंने पहले भी बताया था मीन और मीडियन निकाला तब भी कि ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दो तरीके के हो सकते हैं। तो जब अनग्रुप्ड डाटा का मोड हमें निकालना है सो इजीली हम उसको सिर्फ देख के निकाल सकते हैं, ये डाटा हमें दे दिया, हमें क्या करना है इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हम मीडियन में करते हैं। ओके, तो मोड में सिर्फ ये देखना है कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 25 है बस, तो ये 25 रिपीट हो रहा है दो बार, तो ये क्या हो गया जी, हमारा मोड हो गया। ये 2 से 3 बार 4 बार कितनी बार रिपीट हो सकता है। ओके, तो 25 मोड हो गया। अब ग्रुप्ड डाटा का अगर हमें निकालना है तो यानी जैसे फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ग्रुपिंग में डाटा दे रखा हो, तो मोड क्या हो जाएगा जी, 3 median - 2 mean। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 3 × median
माइनस में दो इंटू मीन। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको ये चीज वैल्यू ना दी हो, मतलब सिर्फ डाटा दे रखा है और उस डाटा से आपको पूछ रखा है, मतलब ऐसे फ्रिक्वेंसी वगैरह देके जो हमने मीड एंड मीन में देखा ग्रुप डाटा, तो उस ग्रुप डाटा में आपसे पूछ लिया कि इसमें मोड निकालिए, ओके आपको वहां पे मीन और मीडियन नहीं दे रखा, आई एम सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जैसे द मीन एंड मीडियन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे को मीन दे दिया ये और मीडियन दे दिया ये, तो फॉर्मूला पुट करके आप निकाल के देखिएगा, आंसर आ जाएगा ये। लेकिन अगर हमें मीन मीडियन निकालना ही नहीं है और हमसे सिर्फ क्वेश्चन में मोड पूछा है, तो बिना मीन और मीडियन कैलकुलेट किए हम मोड कैसे निकाल सकते हैं ग्रुप्ड डाटा का, तो ये दूसरा मेथड होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा, एम नॉट इज इक्वल टू एल लोवेस्ट वैल्यू जो अभी बताऊंगी मैं आपको, एफ वन डिवाइड बाय एफ वन प्लस एफ माइनस वन इंटू में आई, आई क्या होगा इंटरवल, ठीक है जी। सो एल क्या हो गया हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जैसे हमने मीडियन में किया था ना कि मीडियन किसके, मतलब मीडियन बीच में आता है हमें पता है, तो मीडियन कौन सी क्लास में फॉल कर सकता है, तो उसको हम मीडियन क्लास बोल रहे थे, ओके सो ये मॉडल क्लास जो है अब उसको मीडियन की जगह यहां मॉडल क्लास बोलेंगे, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमें बतानी है, लोअर और हायर लिमिट दोनों कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको मीडियन के टाइम बताया था। F1 क्या रहेगी जी, जो मॉडल क्लास है अभी हमारी उसके लो, मतलब उसकी जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मॉडल क्लास से, तो उससे ऊपर वाली क्लास की वैल्यू लेंगे, और ये F-1 क्या रहेगी, नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, यही सेम इसी सेम डाटा के साथ मैंने आपको मीन और मीडियन निकालना भी बताया है, इसी में अगर हम मोड निकालें अब, तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि मोड जो है, जैसे यहाँ पे 11 वैल्यू है ना, 11 फ्रीक्वेंसी है, सो पॉसिबिलिटी है कि 11 फ्रीक्वेंसी में से कहीं ना कहीं वैल्यूज किसी की मैच कर जाए, और जहां मैच की वो मोड हो जाएगा, राइट। सो हम ये लेके चल रहे हैं कि ये 40 और 44 के बीच में हमारा कोई ना कोई तो मोड आएगा, तो ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास ले ली हमने। अब इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट ये 40 से, मतलब अगर इसकी अपर लिमिट निकालेंगे तो 44.5 हो जाएगी, और लोअर लिमिट निकालेंगे तो 39.5 हो जाएगी, ओके तो L क्या हो गया हमारे पास 39.5, I इनमें डिफरेंस कितना है 65 से 69 तक 5, तो सब में 5-5 वैल्यूज हैं, तो क्लास का इंटरवल हो गया 5। अब ये जो था हमारा जिसकी अपर लिमिट तो क्या है 44.5 और लोअर लिमिट है 39.5, तो अब जो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे वो एक तो 9 होगी और एक 8 होगी, मतलब इससे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी लोअर लिमिट जो है वो मॉडल क्लास से कम है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 34.5 कम हो जाएगी ना, और इसकी अपर लिमिट क्या है 49.5, ओके सो हम, और लोअर क्या हो जाएगी इसकी 44.5, तो वो लोअर अपर का आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई क्लास दे रखी है जैसे 40 से 44 दे रखा है, तो इसकी लोअर लिमिट यानी इससे कम वाली लिमिट तो वो क्या हो जाएगी 39.5, और इसकी अपर लिमिट निकालेंगे सो 44.5, ये याद रखिएगा, ओके सो अब हमसे क्या बोला गया है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एडजेसेंट टू द मॉडल क्लास, तो इस मॉडल क्लास तो ये है 40 से 44 एडजेसेंट, एक तो ऊपर वाली है एक नीचे वाली, दोनों एडजेसेंट होंगी साथ वाली, ठीक है, तो फॉर विच लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन द मॉडल क्लास, सो इसमें लोअर लिमिट जो है वो मॉडल क्लास से ज्यादा होगी जो कि 9 है, और ये फ्रीक्वेंसी 9 आ गई ना, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये 8 हो जाएगी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करके इसका मोड निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बिना मीडियन और मोड निकाले, मीडियन और मीन निकाले, ओके अगर मीडियन और मीन दे रखा है तो फिर हम पहले वाले मेथड के साथ जाएंगे। अब यहां पे आप वैल्यूज रखिए, ये एल की वैल्यू क्या हो गई 39.5, F1 की है 9 डिवाइड बाय 8 प्लस 9 एंड इनटू में 5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 42.15 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये जो दो मेथड हमने देखे, एक तो ये तरीका देखा मोड निकालने का, और ये सेकंड देखा, तो जो फर्स्ट मेथड है अगर हमें कोई वो दे रखा है पूरा का पूरा डाटा दे रखा है और उसमें हमें बोला मीन मीडियन मोड निकालिए, यानी मीन और मीडियन तो हमें निकालना ही है, तो हम वो मीन और मीडियन निकाल के यहाँ पे मोड निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि हमें डायरेक्ट मोड निकालने में हेल्प हो जाएगी, कि अगर हमें मीन और मीडियन निकालने को नहीं बोला गया तो हमारा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा,
ठीक है। अब ये चीज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तो इस तरीके मतलब दोनों तरीके से जब हम मोड निकालते हैं ना तो वैल्यूज सेम नहीं होती बहुत बार, सो आर नॉट आइडेंटिकल। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप दोनों तरीके से मोड निकाल के देखें और वो सेम ना आए तो डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो मोड इस तरीके से हम निकालते हैं ना पहले मेथड से, वो बहुत बार वो वैल्यू कंपैरेटिवली हाई होती है थोड़ी सी, ठीक है। सो यहां से जो वैल्यू निकलती है वो ज्यादा मिलेगी आपको एज कंपैरिजन टू आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला है वो। तो ये मोड हो गया कंप्लीट जी, कहां इसको यूज करते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे इसको निकालते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।